हेलो फ्रेंड्स, आल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक पे वेलकम है आपका। डिस्कस करते हैं रिटेलर सप्लायर पार्टनरशिप, ठीक है, यानी कि जो रिटेल और सप्लायर का पार्टनरशिप होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके टाइप के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो रिटेलर सप्लायर पार्टनरशिप होता है वो क्या होता है, इनके बीच में मतलब ऐसा फॉर्मेशन होता है, ऐसी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होता है बिटवीन रिटेलर एंड सप्लायर के बीच में होता है, और ये इंश्योर करते हैं रिटेलर और सप्लायर कि मतलब ये सेम पेज यानी कि सेम ही रहे, मतलब इक्वली, मतलब उनके बीच में कॉम्बिनेशन अच्छा हो जो कस्टमर की नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके इजिली, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है कि यानी कि जो वेंडर एक्वायर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्किल होते हैं, चाहे फॉरकास्टिंग के लिए, चाहे इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, चाहे फिर रिटेल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, ऐसी पार्टनरशिप होती है कि ऐसी पार्टनरशिप सक्सेसफुली होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो कस्टमर की मतलब नीड को इजिली क्या कर सके, फुलफिल कर सके, यानी कि उसके नीड को मतलब कंप्लीटली मतलब फुलफिल कर सके, ठीक है। इसके टाइप जो होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ रिटेलर सप्लायर जो पार्टनरशिप होते हैं, पहला आता है क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, ठीक है, यानी कि जो क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी होते हैं इसमें जो सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, जब उनको रिसीव होते हैं पॉइंट ऑफ सेल डाटा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो रिटेलर को मतलब व्यू करते हैं, सेंड करते हैं, तो वहां से क्या होता है इनकी जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यानी जब उनको मिलता है, यानी कि जब सप्लायर को ये डाटा मिलता है, ठीक है, रिटेलर के द्वारा, ठीक है, तो जो प्रोडक्शन हो गया या फिर जो इन्वेंट्री एक्टिविटीज होती है, ठीक है, एक्चुअल सेल के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रिटेलर के पास यानी कि वो सेंड करना, यानी कि उनको मतलब उसको मैनेज करना, या फिर जो इन्वेंट्री है उसको भी मैनेज करना, वो क्या होता है क्विक रिस्पॉन्स यानी कि वो इजिली काफी तेज करना शुरू कर देते हैं सप्लायर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस और रैपिड रिप्लेसमेंट। जो कंटिन्यूअस एंड रैपिड रिप्लेसमेंट होते हैं उसमें जो सप्लायर्स होते हैं उनको जब रिसीव होता है, ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल डाटा जो, तो उसका यूज करके इनकी प्रिपेयर करते हैं शिपमेंट, ठीक है, यानी कि जो एग्रीड करना है, यानी कि जो इन्वेंट्री जो इंटरवल है, ठीक है, यानी कि जो मेंटेन करना है जो इन्वेंट्री है, यानी कि जहां पे पहुंचना है, कुछ भी जाए गुड्स और सर्विसेज है, मतलब फैक्ट्री से आना है, वेयर हाउसिंग या फिर वेयर हाउस से रिटेलर के पास, यानी जिसके पास पहुंचाना है, ठीक है, तो वो और यानी कि कंटिन्यूस यानी कि और रैपिडली मतलब वो काम करने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है अगर कोई भी प्रोडक्ट क्या हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि उनको मतलब एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो सेल हो चुके हैं, तो और क्या करते हैं वो तेजी वो करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट क्या होते हैं सेल हो रहा है काफी तेज, तो क्या होता है वो खत्म ना हो जाए उस जगह पर, मतलब तो अगर वो वेयर हाउस से पहुंचाना यानी कि उसको मैनेज करना, तो वह मतलब और काफी तेज हो जाता है करने लगते हैं। नेक्स्ट आता है यानी कि एडवांस कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट, ठीक है, जो एडवांस कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट होते हैं यानी कि वो उसका मतलब टारगेट ये होता है कि ग्रेजुअली, ठीक है, जो डिक्रीज करते हैं यानी कि वो क्या होता है इन्वेंट्री लेवल जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज करते हैं, और रैपिडली यानी कि जो होता है कि मतलब इन्वेंट्री को स्टोर करना, यहां पर रखना, ये सब नहीं, वो फटाफट यानी काफी तेजी से क्या करते हैं, वो काफी वर्क करते हैं, काफी तेजी से काम करते हैं। नेक्स्ट आता है वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री सिस्टम। इसका फोर पार्ट है, टाइप्स ऑफ सप्लायर रिटेलर सप्लायर पार्टनरशिप का। इसमें क्या होते हैं जो सप्लायर्स तो वो डिसाइड करता है, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं, ठीक है, वो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, ये मतलब सारे उसके लिए प्रोडक्ट के लिए मतलब वो मतलब और सारे अप्रोप्रिएट जो इन्वेंट्री पॉलिसीज होती हैं उन सबको क्या करता है वेंडर क्या करता है मैनेज करता है, ठीक है, ये लास्ट पार्ट था इनका। नेक्स्ट आता है कि इश्यूज इन आरएसआर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, यानी कि इसमें जो इश्यू क्रिएट होते हैं वो क्या होता है इन्वेंट्री ओनरशिप की होती है इश्यू क्रिएट, परफॉर्मेंस मेजर्स यानी कि फिल रेट, इन्वेंट्री लेवल यानी कि इन्वेंट्री टर्न्स, ये परफॉर्मेंस मेजर में होता है। अगला है कि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, और कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है, ये क्या होती है इश्यूज क्रिएट होती हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें आता है इनकी रिक्वायरमेंट्स, इनकी इसका रिक्वायरमेंट क्या आरएसपी का, ठीक है, आरएसपी का जो रिक्वायरमेंट है, जो इसका रिक्वायरमेंट होता है यानी कि एडवांस इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, यानी कि एडवांस इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन मस्ट बी शेयर्ड, यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए शेयर होनी चाहिए, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन माइट चेंज, ठीक है, यानी कि जो पावर यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो साथ में क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की चेंज होती रहती है, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए
ट्रस्ट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर सप्लाई चेन में, और इनिशियल लॉस ऑफ रेवेन्यू में। ठीक है, यानी जो इनिशियल लॉस ऑफ रेवेन्यू होते हैं वो क्या होना चाहिए, मतलब इसमें यानी कि वो यानी कि ट्रस्ट होना चाहिए, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, इन सब में क्या होना चाहिए, उनको ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है नेक्स्ट, यानी कि एडवांटेजेस क्या है इसके। ठीक है, एडवांटेजेस होते हैं फुल्ली यूटिलाइज सिस्टम नॉलेज, यानी कि जो सिस्टम का नॉलेज फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, रिटेलर का। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोडक्ट डिमांड बेटर, यानी जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करना है यानी कि वो करना चाहिए, डिमांड जो है उसके मतलब क्या, नहीं जो प्रोडक्शन हो क्या हो बेटर हो, सही टाइम पे हो, जिससे क्या हो मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके प्रोडक्ट का। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन रिटेलिंग रदर देन लॉजिस्टिक्स, यानी कि फोकस करता है यानी कि रिटेलिंग पे और ना लॉजिस्टिक के अलावा भी सारी चीजों पे फोकस करते हैं। रिड्यूस व्हिपशिप इफेक्ट, यानी कि व्हिपशिप इफेक्ट क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं रिटेलर पार्ट सप्लायर और रिटेलर पार्टनरशिप से, यानी कि रिड्यूस इन्वेंट्री यानी कि इंक्रीज सर्विस लेवल, इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाती है और सर्विस लेवल क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट रिप्लेसमेंट टू डिफरेंट रिटेलर्स। ठीक है, यानी कि एबिलिटी होती है यानी कि कोऑर्डिनेट करने के लिए, यानी कि चेंजिंग के जो होते हैं यानी कि रिप्लेसमेंट जो होते हैं उन्हें डिफरेंट रिटेलर्स के लिए। ठीक है, इसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं कि जो डिसएडवांटेजेस हैं वो एक्सपेंसिव एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो इसमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो एडवांस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि क्या होता है एक्सपेंसिव होता है। अगला करता है सप्लायर एंड रिटेलर ट्रस्ट मस्ट बी डेवलप्ड। ठीक है, यानी कि सप्लायर और रिटेलर के बीच में ट्रस्ट डेवलप करना ये क्या होती है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज, यानी कि जो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंसेस एट द सप्लायर ऑफ एन इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि जो एक्सपेंसेस होती है वो भी क्या होती है सप्लायर की इंक्रीज हो जाती है, यानी इसमें क्या होता है कि सप्लायर के ऊपर ज्यादा लोड आ जाता है। ठीक है, और ये मुश्किल हो जाता है कि सप्लायर और रिटेलर के बीच में ट्रस्ट डेवलप करना। ठीक है, और एक पॉइंट होती है कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की नीड पड़ती है। ठीक है, जो कि क्या होती है एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू।